तो शुरू करते हैं इंडिया का एक और मुकाबला एंड आई थिंक द बिग टॉकिंग पॉइंट बिफोर दैट इज रिगार्डिंग मोहम्मद शमी टेकन 5 विकेट्स इन द मैच बिफोर दिस इन दैट टर्म्स क्रिकेटिंग टर्म्स जब आप खेलते थे उस लिहाज से तो शॉर्ट शॉर्ट स्टार्टर है जनाब जी बट आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट शॉर्ट स्टार्टर है अभी क्योंकि लखनऊ में मुकाबला है बिल्कुल दो तेज गेंदबाज के तीन स्पिनर आप इंटरेस्टिंग सबसे पहले तो शमी वाला हम ये करते देखो आइडिया इज कि शमी विल ऑलवेज बी योर प्लेइंग 11 में बट ही वाजंट उसका रीजन इज मोर टैक्टिकल देन एनीथिंग एल्स नॉट टू डू विद स्किल क्योंकि आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ हार्दिक कि आप दो ही मेन सीमर के साथ जा सकते हो और हार्दिक विल बी योर थर्ड और आपको अगर चार सीमर खिलाने हैं तो देन यू वॉन्ट वॉट योर बैटिंग एग्जैक्टली सो तो वो सब चीज़ें जो हैं तभी आपको दो ही सीमर्स चूज करने अनफॉर्चुनेटली सिराज वॉज इन ग्रेट फॉर्म राइट बुमरा ऑब्वियसली आई मीन यू कांट इवन वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं आएगा बट देन यू हैव टू चूज बिटवीन सिराज एंड शमी सो दैट्स द टॉपिक राइट सो नाउ दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग इज द टॉकिंग पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हालांकि जैसे आपने कहा लखनऊ में मैच है देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन जो पिछले मैच में थे थ्री सीमर्स टू स्पिनर्स या व्हाई सर सो टर्न है घुमाव मिल रहा है ओके आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं लेकिन ये सोचो कि आपके जो सीमर्स वाले ओवर हैं वो प्रेडोमिनेंटली आपके शुरू के और लास्ट के ओवर्स हैं yes. तो आप दो सीमर के साथ जाओगे तो यू आर काइंड ऑफ हैंडकफ्ड कि यार एक भी सीमर अगर पड़ जाता है नहीं चलता है या पड़ जाती है देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन फिर आप फंस जाते हैं फिर आपको स्पिनर लाना पड़ेगा और वैसे यार जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से स्पिनर्स की वैसे ही थोड़ा सा और आपके पास थर्ड स्पिनर का ऑप्शन है अश्विन प्रिडोमिनेटली फिंगर स्पिनर हालांकि सिर्फ ऑफ स्पिनर बोलना गलत होगा उनको बट फिर ना आप थोड़ा सा मतलब वन साइडेड या प्रेडिक्टेबल भी हो जाते हो तीन स्पिनर और दो सीमर्स के साथ तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि तीन सीमर होंगे तीन सीमर और दो स्पिनर फिर इट्स प्रीटी सिंपल बट एग्जैक्टली अब इशू ये है कि जब हार्दिक आएंगे तब क्या दैट विल बी इंटरेस्टिंग हार्दिक आएंगे सर दक्षिण अफ्रीका कह रहे हैं मेरे ख्याल से वो बोल रहे हैं बट आई डोंट नो इफ ही विल फिट बाय देन आल्सो बट आप ये लेके चलो थ्रू आउट बाय द टाइम यू सील्ड योर टॉप फोर या देन ही विल कम इन धर्मशाला से आप ट्रैवल है विल नॉट डिनाई दैट एक दिन ट्रैवल कर लगा लो पर लेकिन मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू बट अश्विन का केस आई डोंट अंडरस्टैंड आई गेट योर पॉइंट कि केस इन पॉइंट कि अगर आपके पास योर वन सीमर शॉट एक्चुअली गिवन जो कंडीशंस हैं और जो रूल चेंजेस हैं बैट्समैन हैवी है बट दूसरा उसका एक और नजरिया ये है सोचने का कि भाई इंग्लैंड तो मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं बॉल सर अश्विन को तो इट वुड नॉट बी कि यार क्या कर दिया इट्स अ ब्लंडर एब्सोल्युटली नॉट क्योंकि जैसा आपने कहा ऑपोजिशन इंग्लैंड है लखनऊ के पिच में स्पिन है राइट और ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो थोड़ा ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगा सो दैट इज डेफिनेटली ऑल दैट इज देयर बट I think it's too much of a risk to go with that combination. Not, it is not about Ashwin ya wo nahi keh raha main. I think it's Ashwin se better option ho nahi sakta aapke paas hai kisi bhi team ke paas. Lekin again, I'm not ready to take that risk going in. मैं flip करता हूँ. जैसे आपने ना बातचीत की शुरुआत करी थी. ठीक है. शमी and सिराज, right? Yeah. Now at the end of the day, it is about your combination. Hmm. Bumrah is part of that constant, right? Hmm. Which is a more potent combination? And is that the reason कि आप सिराज और बुमराह को एक साथ देख रहे हैं and you're not seeing so much of शमी and बुमराह in that two pacer? Now this is a good question. Yeah. Now this is a question जो मेरे दिमाग में भी पिछले मैच के बाद से जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो ठीक है अभी तो तीन सीमर not a question लेकिन जैसे ही आप वापस जाते हैं and हार्दिक is available तो मैं हार्दिक का टॉपिक लाया था तब क्या सोच है तब जो दो सीमर होंगे एक तो बुमराह दूसरा कौन एंड इफ यू लुक एट सिराज दिस वर्ल्ड कप नए बॉल से जो उनका स्ट्रेंथ है इज बीन वेरी एक्सपेंसिव ही हैजंट लुक्ड इन फॉर्म फॉर व्हाटएवर रीजन वो रिदम देखने को नहीं मिला सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन फैक्ट आई विल बी इंक्लाइन टू मेक दैट शिफ्ट कि भैया
बुमरा एंड शमी रादर देन बुमरा एंड सिराज. यू विल बी इनक्लाइंड. यस आई विल बी. व्हाई यू सपोज एक साथ ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा कौन अभी फॉर्म में है? देखो खा रहे हैं मतलब एक साथ दोनों अटैक लगे हुए. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. पर शमी साहब के ये है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं एंड में, जहां सिराज बिगनिंग में एक्सपेंसिव हो रहे हैं वो एंड में. या बट वो आपके एंड वाला में एक क्या फायदा हो गया अभी कि आपके पास पांच फील्डर है आखिरी 10 ओवर में, सो यू हैव अ लिटिल मोर प्रोटेक्शन. शुरुआत के ओवर में सिराज का जो मेन स्ट्रेंथ इस साल पूरा रहा है इज नए बॉल से विकेट निकालना, करेक्ट? लेकिन इस टूर्नामेंट में नए बॉल से उतना निपटा नहीं है उनसे. And he hasn't bowled well. Let's be very, very honest. He hasn't bowled well. He's been wavered. Yes, he hasn't bowled. He's had his moments. He has had his moments. Wickets liye hain, second spell acha dala, especially Pakistan wala. So second spell acha dala. Lekin opening spell hasn't been that penetrative. Aur kahin na kahin mujhe aisa lag raha hai ki he's not bowling 100% abhi. So ye aap kyunki aap is team mahol mein reh chuke. Ye ek delicate conversation. Oh yes. Oh yeah. But ye delicate conversation hai, but it's a conversation jahan pe people will take it in the right spirit because Siraj Shami on in the right side, wo bhi to insaan hai, wo bhi insaan hai, publicly aake jo bhi bolo team mein acha hai wo sab theek hai. Nahi nahi, aap conversation, aap agar honest ho na dressing room mein, wo fir utna problem nahi hota. Agar aap honest nahi ho tab problem ho jata. Agar aap honestly keh rahe ho sabko pata hai ki yaar aapka aim to wahi hai na jeetna match, and everyone sees it, obviously bura lagega agar tomorrow. आपको क्या लग रहा है जब शामी बाहर बैठा, शामी को बुरा नहीं लगा? वो जी 5 बजे ले के हम बैठे हैं तो वो उसको ही बुरा लगेगा. अश्विन इतना बड़ा बॉलर वो बाहर बैठा है उसको ही बुरा लगता है. बट यू ऑल्सो नो कि यार एज अ टीम, एज अ कैप्टन, एज अ कोच, कुछ कॉल्स आपको लेने होते हैं विच इज गुड फॉर द टीम बट माइट नॉट बी दैट ग्रेट फॉर एन इंडिविजुअल. आई थिंक सर व्हाट दे हैव डन राइट एंड दिस इज फॉर मिस्टर द्रविड़ एंड मिस्टर शर्मा इज दैट द मैसेजिंग हैज बीन कंसिस्टेंट. Asia Cup, Asia yes. Cup to World Cup. Yes. That are prime two bowlers are Siraj and Bumrah. Shami sahab, aap ye leke chal lo, you are number three. And that, true, that message has already been given. I agree. So there is no king ki ab kab bulayenge, nahi bulayenge. Bulayenge jab ye do nahi chal. Nahi, 100%. Ye aapko matlab, you know. You're absolutely right. Ki sirf wahi nahi, jo policies, matlab shuru se jo baat hui hogi, jaise 8 number tak batting, हार्दिक खेलता है तो क्या होगा, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर यस एंड आई थिंक वो क्लैरिटी वो है. एंड वो क्लैरिटी है ना अगर टीम में तो ये कॉन्वर्सेशंस विद इज कंपैरेटिवली इजीयर. एंड यू नो यू 100% नो दैट यार शामी बाहर बैठा इज नॉट फीलिंग वेल, सिराज जब बाहर बैठेगा तब. बट व्हाट आल्सो हेल्प्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दे आर वेरी क्लोज. नो शामी इज लाइक अ मेंटर टू सिराज एंड बुमराह इज आल्सो देयर. They're all mentors to Siraj. So Siraj is the next guy coming. So वो relationship भी matter कर जाता है कि आपका relationship कैसा है दूसरा बंदा जो बाहर बैठा है. तभी शामी बुरा लग रहा होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसको खुशी भी हो रही होगी कि यार सिराज is playing and he's doing well. So सिराज भी जाकर नहीं खेलता, he'll be happy in a certain way कि यार चलो शामी खेलता है. So I think that relationship also helps. बिल्कुल बिल्कुल.